बिहार में चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। भविष्य की उजली राह को टटोलते तमाम नेता अपने ठिकाने बदल रहे हैं। एक ओर जहां जेडीयू को श्याम रजक के रूप में झटका लगा, तो वहीं आरजेडी का भी एक विकेट गिरा है। सासाराम से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अशोक कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी है और वो जेडीयू में शामिल हो गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर तेजी से चल रहा है। जेडीयू को झटका लगा श्याम रजक के नाम पर, तो वहीं आरजेडी में भी एक विकेट गिर गया है। और बड़ी बात यह है कि दोनों ही दलों में अदला बदली चल रही है। बिहार में चुनावी हलचल तेज है। शहमात के खेल में हर दल अपनी बिसात बिछा रहा है। बहरहाल चुनावी बिसात में कभी जेडीयू तो कभी आरजेडी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। सासाराम से राजद के विधायक अशोक कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी। आरजेडी का एक और विकेट सासाराम के विधायक अशोक कुशवाहा के रूप में गिरा। जी हां, अशोक कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी है और जेडीयू में शामिल हो गए। आरजेडी से निकाले गए तीन विधायकों में से दो ने मंगलवार को जेडीयू का दामन थाम लिया। इससे पहले प्रेमलता चौधरी और महेश्वर यादव ने भी नाराजगी के चलते आरजेडी को छोड़ दिया था। जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सभी को सदस्यता दिलाई। आरजेडी विधायकों ने जेडीयू में शामिल होने के बाद अपनी पुरानी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सभी विधायकों ने कहा कि आरजेडी के अंदर अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां किसी को काम नहीं करने दिया जाता, बस फरमान जारी किया जाता है। बहरहाल आज शामिल हुए सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में जेडीयू को मिलेगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।